हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको फिजिक्स में ही नया टॉपिक बताने वाला हूँ और आज टॉपिक का जो नाम है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हिंदी में हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ये तो हमने कई बार पढ़ रखा है। एक बार मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही इसका विनाश हो सकता है। बस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इस सिद्धांत को हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो बोल सकते हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। दिस लॉ या दिस रूल इज सेट टू बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन आज इस रूल को, इस लॉ को हम प्रूव करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम प्रूव कैसे करेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट रहती है, बस वो चेंज होती रहती है एक रूप से दूसरे रूप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग है हमारा आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा लॉ है और हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम कुछ चीज़ जो है लेट करेंगे पहले और फिर उसे प्रूव करेंगे। लेट करने के लिए ये है, कि यहाँ से कोई बॉल है, इस बॉल का जो मास है यानी कि जो द्रव्यमान है वो मैंने m लेट कर लिया है। एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जा रही है ऐसे, उसका जो मास है कितना है, m है। ये जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने लेट कर लिया इसकी h। ये a पॉइंट लेट कर लिया है, ये b पॉइंट लेट कर लिया है, बीच में एक पॉइंट और लेट कर लिया है, वो कर लिया है c। ठीक, तो जो नीचे वाली हाइट है इसे हम x लेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैंने थोड़ा सा इसे प्रूव करने के लिए कुछ लेट कर लिया है, कुछ मान लिया है, ताकि मैं आपको ये प्रूव करके दिखा सकूँ। एक बॉल है जो ऊपर से नीचे तक गिराई जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मास क्या है, m है। तो अब हमें देखना है कि जो a पॉइंट है, जो b पॉइंट है, जो c पॉइंट है, इस पर टोटल एनर्जी, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोल देते हैं, वो कितनी होगी। अगर ये एनर्जी सेम आएगी तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो प्रूव हुआ, क्योंकि वही एनर्जी a पॉइंट पे है, वही एनर्जी b पॉइंट पे है और वही एनर्जी c पॉइंट पे है। लेकिन अगर ये एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो फिर ये जो रूल है, जो लॉ है, ये गलत साबित हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम निकालते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए निकालते हैं, सबसे पहले ए पॉइंट पे निकालते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि कोई बॉल ऊपर से नीचे ऐसे नीचे की तरफ डाली जा रही है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, वो होगी यू, और यू क्या होगा, जीरो। क्योंकि जब मैंने इसे हाथ में पकड़ रखा है बॉल को, तो उस समय उसकी कोई स्पीड या कोई वेलोसिटी नहीं है। जब वो छूट के नीचे जाएगी तब उसकी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू होगी। ठीक, तो मुझे एट पॉइंट ए पर कौन कौन सी एनर्जी है पहले मैं वो निकालूंगा। तो मैंने कहा कि जो इनिशियल वेलोसिटी वो यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ से पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। आपने पढ़ रखा होगा कि जो एनर्जी होती है वो मोस्टली दो तरह की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करेगी वो किस पर करेगी, वेलोसिटी पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। तो जैसे जैसे वी इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर वी डिक्रीज होगा यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। दूसरी जो एनर्जी होती होगी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है mgh। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ये हाइट पर डिपेंड करता है, अगर मान लिया हाइट इंक्रीज हो रही है तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी इंक्रीज होगी, और हाइट डिक्रीज हो रही है तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी डिक्रीज होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब अगर मैं मान लिया पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, तो आप देख रहे हैं 1/2 ऐसे हो गया, एम ऐसे हो गया, और यहाँ जो वी है, जो वेलोसिटी है, वो क्या बन जाएगी, वो एक इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और पॉइंट ए पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो जीरो है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे भले मैंने बी लिख रखा हो, लेकिन है क्या, इनिशियल वेलोसिटी है। जब यहाँ पे जीरो रखेंगे
तो पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है बच्चे वो क्या है, जीरो। उसके बाद निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। एम क्या होता है, मास होता है। जी क्या होती है, ग्रेविटी होती है। और जो एच होता है वो क्या होता है, हाइट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया कि कहाँ पे होती है, जहाँ हाइट होती है। तो क्योंकि बोल यहाँ पे है पॉइंट ए पर, तो काफ़ी हाइट है, क्योंकि हाइट जो नापी जाती है ग्राउंड से नापी जाती है, यानी कि पॉइंट बी से नापी जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये टोटल हाइट हो गई आपकी। अगर मैं इसे निकालने की कोशिश करूँ तो एम तो मैंने एम ही लेट कर रखा है, और जी को भी मैंने जी ही लेट कर रखा है। मतलब यहाँ जी की वैल्यू 9.8 नहीं रखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ कोई नंबर नहीं दे रखे। मैंने ये नहीं कर रखा कि इस बॉल का जो मास है वो 5.0 ग्राम है, तो जी को फिर 9.8 क्यों लूँगा मैं। मुझे तो बस ये शो करना है कि जो लो जनरेशन ऑफ एनर्जी वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसलिए इनकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। एम की जगह एम आ गया, जी की जगह जी आ गया, और एच पॉइंट ए पर निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, एच ही है। तो यही इसी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एम जी एच। तो हमने देखा कि जो पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है बच्चों, जीरो है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एच है। उसके बाद ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कह लेते हैं, टोटल एनर्जी कह लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जिसे हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ये इन दोनों का टोटल होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उनका ये टोटल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आया है, एम जी एच। तो आप देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी आ गई है, कितनी आ गई है, एम जी एच आ गई है। तो पॉइंट ए पर इस बॉल के लिए जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों, कितनी है, एम जी एच है। ये हमारा एक पॉइंट पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी निकल गई। इसे मैंने बॉक्स में बंद कर दिया और यहाँ डाल दी क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ऐसे बी पॉइंट पे भी निकालना है, सी पॉइंट पे भी निकालना है। अब निकालते हैं सी पॉइंट पर। तो एट पॉइंट सी पहले वही काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर वही हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन थोड़ी सी समस्या यहाँ पे ये हो गई कि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी ए पॉइंट पर वो तो जीरो थी, तो वो तो हमें पता था। लेकिन जो सी पॉइंट मुझे निकालनी है, यहाँ तो मुझे वेलोसिटी पता ही नहीं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले पीरियड में थोड़ा सा हाईलाइट किया था, ठीक है, वो भी यूट्यूब पर ही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने 3 बताई थी, उसमें से इक्वेशन ये चलते हैं वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 इक्वेशन मोशन बताई थी मैंने, जिनमें से एक सेकंड वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो वी तो मुझे निकालना है बच्चों। ये जो मोशन लिया जा रहा है कौन सा लिया जा रहा है, एसी मोशन लिया जा रहा है, यानी कि ए से लेकर सी तक जो बॉल आई है उसके लिए सी पॉइंट पर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ये निकाला जा रहा है, ताकि फिर मैं उसे यहाँ पर यूज़ कर सकूँ और अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकूँ। तो वी स्क्वायर तो मुझे निकालना है, और यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इस मोशन की बात कर रहा हूँ तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या थी, जीरो ही थी, और सी पे जो वी है वो मुझे निकालना है, ठीक। उसके बाद टू ऐसे ही एक ही जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट है। बताया था आपको कि अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो एक्सेलरेशन या रिट्रार्डेशन होता है, और अगर वर्टिकल मूवमेंट आ जाए या डाउनफॉल आ जाए तो क्या हो जाता है, ग्रेविटी आ जाती है। तो जी आ गया, और ऐसी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, हाइट आएगी। तो ये हाइट कितनी है, एसी मूवमेंट लिया जा रहा है, तो मेरी टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट एस थी, और ये हाइट कितनी है, एक्स है। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, एच माइनस एक्स आ जाएगी ए से लेके सी तक। तो जो मूवमेंट लिया जा रहा है, क्योंकि ए से लिया जा रहा है, इसलिए हाइट जो ली जाएगी वो ली जाएगी एच माइनस एक्स, ठीक। तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो आ गई है 2gh - x। ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, यानी कि जो पॉइंट सी है उस पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा वो ये होगा। अब इसकी क्वेश्चन वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 m, और वी स्क्वायर यहाँ ही आ जाएगा 2gh - x, 2gh - x, ठीक। तो ये हमने निकाल दिया कि पॉइंट सी पर जो है काइनेटिक एनर्जी उस बॉल के लिए कितनी होगी। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, फिर वही एम तो ऐसे ही रहा, जी भी ऐसे ही रहा,
और जो एच है एसी मूवमेंट पे हम सी पे निकाल रहे हैं, तो जो हाइट है हाइट वो कहाँ से ली जाएगी, ग्राउंड से। जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो हाइट हमेशा ग्राउंड से ली जाती है, यानी कि ये हाइट ली जाएगी और ये हाइट कितनी है एक्स है, तो ऐसी यहाँ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब फिर से मैंने मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब इन्हें ऐड करेंगे टू से टू तो यहीं कैंसिल हो गया, और एम जी एच की मल्टीप्लाई करें ये हो गया एम जी एच, फिर एम जी की मल्टीप्लाई एक्स में करें ये हो गया माइनस एम जी एक्स, और ये प्लस एम जी एक्स, एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो गया, और आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो आ गई है टोटल वो कितनी आ गई है एम जी एच आ गई है। और ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो ये मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पर है, और ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर थी ए पॉइंट पर। तो अभी हमने देखा कि ए पॉइंट पर सी पॉइंट पर, तो हम देखेंगे कि जो टोटल एनर्जी आई है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई है वो दोनों ही केस में क्या है सेम है। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है, तो कौन सा पॉइंट है बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर निकालते हैं, पहले निकालेंगे वही काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला हो गया बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस पॉइंट की बात हो रही है, तो जो बॉल है वो ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे फिर भी निकालना है। तो इस बार तो मूवमेंट यहाँ पे लिया था एसी मूवमेंट लिया था, यहाँ पे क्या लिया जाएगा ए बी मूवमेंट लिया जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास अभी है नहीं, तो फिर इक्वेशन मोशन लगा दो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये इक्वेशन मोशन लगा दिया मैंने। प्लस का साइन इसलिए जा रहा है कि मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ है, अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपको पता है कि जो ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ काम करती है, और हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके अपोजिट काम कर रही है, तो उसके इसमें जो जी है वो माइनस आ जाता है, या फिर माइनस में माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ बॉल आ रही है, तो जी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अब यहाँ पर निकालेंगे तो वी स्क्वायर मुझे निकालना है, मूवमेंट कौन सा लिया जा रहा है ए बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी मूवमेंट के लिए क्या निकालना है वी स्क्वायर। तो जब ए बी मूवमेंट लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो पूरे क्वेश्चन में जीरो ही है, यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो ही थी, और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी वो मुझे निकालनी है इस फॉर्मूले से। तो जो इनिशियल वेलोसिटी फिर जीरो हो गई प्लस टू जी एस ई, और जो एच है वो लिया जाएगा, तो जो एच लिया जा रहा है वो देखिए कहाँ से कहाँ तक मिले, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ से कोई बॉल आई थी और यहाँ पे आगे रुकी है, तो पूरी हेड कितनी है एच है, तो ये एच ही ले लिया। इससे से बीस का वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे टू जी एच आ गई, और ये बीस का वैल्यू फिर यहाँ पे रख देते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हाफ एम और बीस का जो है बीस का वैल्यू कितनी आई है टू जी एच, फिर टू से टू बढ़ गया और ये आ गया बच्चों एम जी एच आ गया है काइनेटिक एनर्जी। कौन से पॉइंट पर आ गया है ये पॉइंट आ गया है बी, बी पॉइंट पे जो गतिज ऊर्जा होगी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉल के लिए वो कितनी होगी एम जी एच होगी। उसके बाद निकालना है क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच होता है, एम एस ई जी एस ई, ये कौन से पॉइंट पर निकाली जा रही है बी पॉइंट पर निकाली जा रही है एट पॉइंट बी। मैंने कहा था कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हाइट जो है ग्राउंड से ले जाती है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड ही है तो हाइट कुछ है ही नहीं, इसलिए हाइट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो एच की जगह मैंने यहाँ जीरो रख दिया, और आप देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी जीरो होगी। फिर हम मैकेनिकल एनर्जी निकाल देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, तो एम जी एच प्लस जीरो, और ये क्या आ गया एम जी एच आ गया, ये आ गया हमारा तीसरा बॉक्स कहाँ पे बी पॉइंट पे, मैकेनिकल एनर्जी आ गई है बी पॉइंट पे। तो आपने देखा कि मैंने एक छोटा सा पहले सब कुछ लैड किया, फिर मैंने जानना चाहा कि जो तीन पॉइंट है ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट, यहाँ पे जो एनर्जी होगी टोटल जिसे मैं मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा हूँ, और काइनेटिक एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, जैसे आप जानते हैं कि उसकी जो यूनिट होती है क्या होती है जूल होती है, ठीक है, बाकी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं कहना चाह रहा था कि जो पॉइंट ए है उस पर जो मैकेनिकल एनर्जी आई है जो टोटल एनर्जी आई है वो कितनी आई है एम जी एच। फिर हमने पॉइंट बी पे देखा, तो
कितनी आई है टोटल एनर्जी एम जी एच। फिर हमने पॉइंट सी पे देखा तो कितनी आई है टोटल एनर्जी एम जी एच। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज कर रही है। पॉइंट ए पर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी ही नहीं कोई भी एनर्जी। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो एम जी एच थी, यानी कि मैक्सिमम थी। ठीक, जब हम बी पॉइंट पर आए तो यहाँ पर हमने देखा जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो एम जी एच हो गई, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो गई। जब हम सी पॉइंट पर आए, यानी बीच वाले पॉइंट पर आए, तो हमने देखा जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई एम जी एच माइनस एक्स और पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि एनर्जी चेंज तो हो रही है, कभी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, कभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट है। और ये तो हमारा दो था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमारा लॉ था, ये हमारा नियम था कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज तो होती रहेगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी विनाश नहीं हो सकता उसका, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी पूरे यूनिवर्स में। तो इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से मैंने आपके प्रूव करके दिखा दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है एग्जिस्टेंस होता है, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। चलिए, बाकी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है बार बार की साइट है एग्जीक्यूटिव मेकर्स के नाम से, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है टारगेट नंबर वन क्लासेस, और जो साइट है जो ऑनलाइन काम है वो सारा एग्जीक्यूटिव मेकर्स के नाम से है। तो www.executivemakers.com पे आप बैठ जा सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगा, साइंस की बुक्स वगैरह या कुछ और बुक्स वगैरह या क्विज वगैरह, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसकी। आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं और वहाँ भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। बाय चांस अगर मान लिया नहीं पहुँच पाता है कोई, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट भी खोल सकते हैं, या फिर मैंने बताया जैसे डाउनलोड कर सकते हैं आपको। बाकी फिर जैसे भी कोई दिक्कत होगी आप हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, और जितनी भी मुझसे आपकी हेल्प होगी मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सुना और देखा, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।